अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेसन में हम अपने साइड बार को कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे। इसके अलावा जो टॉप मेन्यू है उस पर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको डिलीट करना सीखेंगे। तो कहीं पे भी अगर कोई टेक्स्ट या कोई भी पैराग्राफ वगैरह लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है और यहाँ पे नीचे ये चीज़ लिखी हुई है कॉपीराइट, और ये इन चीज़ों को कैसे रिमूव किया जाता है, इन पर कैसे काम किया जाता है, इस चीज़ के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो इस चीज़ को रिमूव करने का तरीकाकार क्या है कि आपने यहाँ पे अपने जो आपका जो ब्लॉग है उसमें ब्लॉगर में जाके तो आपने यहाँ से टेम्पलेट्स में जाना है और टेम्पलेट्स में एडिट एचटीएमएल पे क्लिक करें, कंट्रोल एफ करके फाइंड करें और जस्ट अनदर जैसे मैंने फाइंड किए इसी को आपने यहाँ से एंटर करना है। यहाँ पे लिखा है जस्ट अनदर फ्री टेम्पलेट्स, इसको आप सिलेक्ट करके आप इसको डिलीट कर दें, डिलीट कर दिया, सेव टेम्पलेट्स पे क्लिक करें, व्यू ब्लॉक में जाके देखें, यहां से वो रिमूव हो चुके हैं। कोई भी चीज यहाँ पे और कोई ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि फुटर में भी जो लिखा हुआ है टेक्स्ट इसको भी अगर रिमूव करना चाहे तो आप रिमूव कर सकते हैं। जैसे कॉपीराइट है ब्लॉगर 60 ट्रेनिंग, अब से ये यहाँ पे कॉपीराइट ब्लॉगर 60 ट्रेनिंग पावर बाय ब्लॉगर, अब पावर बाय जो ब्लॉगर है इसको आप रिमूव कर सकते हैं, डिज़ाइन और इन चीज़ों को आप रिमूव कर सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर जाके कंट्रोल एफ करें, पावर बाय देखें पावर बाय क्या लिखा है ब्लॉगर, तो यहां पर मैं ऐड कर लेता हूं ऑनलाइन डिप्लोमा। ऑनलाइन डिप्लोमा इसी तरह यहां पे आप देखें तो और क्या क्या जी, डिजाइन बाय यहीं पे होगा जी थीम, और पावर बाय इसको रिमूव करते हैं यहां से, ब्लॉगर टेम्पलेट्स बाय यहां से यहां पे अपना ले दें, ऐड कर लें ऑनलाइन डिप्लोमा डॉट पी के, और इसको यहां से आप सेव कर लें। सेव टेम्पलेट्स पे क्लिक करता हूं, व्यू ब्लॉग में जाके देखता हूं, पावर्ड बाय ऑनलाइन डिप्लोमा देख सकते हैं, ऑनलाइन डिप्लोमा डिजाइन बाय, अब डिजाइन बाय ब्लॉगर को खत्म करने और टेम्पलेट्स बाय ऑनलाइन डिप्लोमा और डिजाइन ब्लॉगर टेम्पलेट्स, ठीक है, डिजाइन बाय ब्लॉगर टेम्पलेट्स बाय ऑनलाइन डिप्लोमा, डिजाइन बाय के बाद ये जो ब्लॉगर टेम्पलेट्स है और बाय इसको रिमूव कर दें यहाँ पे जी ब्लॉगर टेम्पलेट्स पर, इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं बैकस्पेस करके, और यहाँ से सेव टेम्पलेट्स पे क्लिक करें, व्यू ब्लॉग पे जाके देखें, डिजाइन बाय ऑनलाइन डिप्लोमा कॉपीराइट 2016 ब्लॉगर 6 ईयर ट्रेनिंग पावर बाय ऑनलाइन डिप्लोमा। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको भी ऐड कर लिया फुटर को। अब फुटर कैसे क्रिएट किया जाता है, आप एक अच्छा सा फुटर कैसे बना सकते हैं जिसमें आप फुटर में आप 3 कॉलम रखें, जिसमें आप फॉर एग्जांपल एक में अबाउट, जैसे कि ये अबाउट दिया हुआ है, इसी तरह आप इसमें और भी एडिट अगर कुछ चीज़ ऐड करना चाहते हैं, पेजेस ऐड करना चाहते हैं, तो ये कैसे आप करेंगे इसके ऊपर हम इंशाल्लाह इसके ऊपर भी हम काम करेंगे, डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर मैंने सिर्फ ये चीज़ें आपको समझाने के लिए की थी, चलिए यहाँ था कि ठीक है, लेकिन जैसे कि मैं ये ऑनलाइन डिप्लोमा ये फेसबुक का पेज जो इसे रिमूव करना कर दूंगा, और इसी तरह इन सब चीज़ों को हमने क्या करना है, सबको हमने ख़त्म करना है, डिलीट करना है, और फिर हम खुद से इन चीज़ों को ऐड करेंगे क्योंकि ये अजीब सा लग रहा है इस तरह, तो हम खुद अपनी मर्जी से इनको ऐड करना सीखेंगे। और यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें जिस तरह ब्लॉग रोल है क्या है, ये ब्लॉग टेम्पलेट्स है, इन चीज़ों को रिमूव करना है, कैटेगरीज को रिमूव करना है,
और प्लग अर्काइव को ऐड करना है, लेकिन यहाँ पे नहीं ऐड करना, इस तरह अबाउट है, अबाउट में कुछ ऐड करना है और बल्कि अबाउट को भी रिमूव करना है। बात चीज़ें ऐसी होती है, इन पर क्लिक करता हूँ मैं, जैसे कि अबाउट, अब ये हाँ यहाँ से आप रिमूव कर दें, इसको रिमूव कर सकते हैं, रिमूव कर दें यहाँ से, ओके, यहाँ से इसको भी रिमूव करना है, इन सब चीज़ों को हम रिमूव करेंगे, रिमूव करने के बाद ऐड करने करेंगे। चले मैं अभी रिमूव कर लेता हूँ इन सबको, तो यहाँ से इसको भी रिमूव कर दें। अगर ये यहाँ पे नहीं है तो आप जस्ट डायरेक्ट आप टेम्पलेट्स में जाके और यहाँ से लेआउट में जाके, लेआउट से भी आप रिमूव कर सकते हैं, लेआउट में जाएं तो लेआउट से भी आप ये सारी चीज़ें रिमूव कर सकते हैं। यहाँ से जस्ट आपने एडिट पे क्लिक करना है और रिमूव का, यहाँ पे देखिए ये रिमूव हो चुके हैं, इसको रिफ्रेश करें, रीलोड करें, रिफ्रेश करेंगे तो ये रिमूव हो चुके हैं। देखिए तो आप इस तरह यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। देखिए अबाउट कैटेगरी रह गया, आप ब्लॉग रोल रह गया, इस पर क्लिक करें एडिट पे और यहाँ से रिमूव का बटन प्रेस करके रिमूव कर दें। इस तरह आप यहाँ से आपको जो जो चीज़ें नहीं चाहिए आप उनको रिमूव कर लें, जैसे कि कैटेगरी को भी मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ और यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि फिलहाल मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए। ब्लॉग रोल को भी आप यहाँ से क्लिक करें और ये बल्कि रिमूव हो चुके हैं, और ब्लॉगर टेम्पलेट्स जो है इसको सिलेक्ट करें, रिमूव कर दें। यहाँ से पोस्ट जो है इनको जो है तो पॉपुलर पोस्ट को भी रिमूव कर दें। तो इस तरह आप रिमूव कर सकते हैं सारी जो चीज़ें आपको नहीं चाहिए। और यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ से ब्लॉग रोल रिमूव हो चुके हैं, यहाँ से इस पेज बुक फेसबुक का जो पेज है इसको भी यहाँ पे क्लिक करके इसको भी रिमूव कर देते हैं। ओके, बाकी यहाँ तक ये सारी चीज़ें ठीक है। यूट्यूब आ गया, ये चीज़ आ गई, रिमूव करना चाहते हैं यूट्यूब को, इसको भी रिमूव कर दें बेशक। यहाँ पे वीडियो वगैरह अगर ऐड करनी है वो कैसे ऐड करते हैं उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ओके, तो ये रिमूव हो चुके हैं। अब इनमें कुछ चीज़ें हमने ऐड करनी है, न्यू कुछ चीज़ें ऐड करनी है, तो कैसे ऐड किया जाएगा इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। गूगल प्लस यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको ख़त्म करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करें, कि जाहिर सी बात है गूगल प्लस का पेज है और यहाँ ऊपर जो टाइटल लिखा हुआ है इसको यहाँ से सेलेक्ट करके आप सेव कर लें। ओके, अब यहाँ पे कुछ जो है तो ऐड करेंगे और इनको कैसे ऐड किया जाता है इस चीज के ऊपर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेसन में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।